सेल्सियस। अब मुझे क्या सेट करना है, टाइम सेट करना है। कीप वार्म में एक्चुअली क्या होता है, लाइक आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, वो सपोज 4 बजे आने वाला था, लेकिन 1 घंटा वो लेट हो गया, 5 बजे आएगा, तो आपने जो भी खाना उनके लिए बना करके रखा था वो डेफिनेटली बात है कि वो ठंडा हो जाएगा, तो वो कंटिन्यू गर्म रहे, अच्छा रहे, उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको ऐसा जगह रखना है जो खाना गर्म ही रहे। तो आपको क्या करना है, बस खाने को रख देना है यहाँ पे कीप वार्म में चले जाना है, यहाँ पे टेम्परेचर सेलेक्ट है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका मेहमान कितने देर के बाद आ रहा है, तो उस हिसाब से आप टाइम को सेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मिनट और यहाँ से 99 सेकेंड तक हम इसको कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम डेढ़ घंटा के आसपास हम कंटिन्यू इसमें रख सकते हैं खाना को, ये गर्म रखेगा 1.5 घंटा के आसपास। ठीक है, उसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें 3 फीचर्स हैं, माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन। ये तीनों के लिए डिफरेंट पार्ट लगा हुआ है। माइक्रो के लिए अलग से मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, ग्रिल के लिए यहाँ पे देखिए ग्रिल हीटर लगा हुआ है, उसी प्रकार से इसके अंदर कन्वेक्शन के लिए एक अलग से हीटर और एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तीनों प्रोग्राम को या तो मैं अलग इंडिविजुअल चला सकता हूँ या मैं कॉम्बिनेशन बना बना करके भी चला सकता हूँ। तो मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ माइक्रो को ग्रिल के साथ, तो मेरा यहाँ पे ग्रिल यहाँ हो गया, माइक्रो का जो भी पार्ट है वो इधर लगा हुआ है, ये दोनों को साथ में चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे बोल रहा C1, C2, C3, C1, C2। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कॉम्बिनेशन वन कॉम्बिनेशन टू। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, देखिए C1, C2, C1, C2 दो ही प्रोग्राम दिखा रहा है, यानी कि 110 डिग्री रहेगा C1 में, C2 में कितना रहेगा 140 डिग्री। तो लेकिन ये दोनों ऑन होगा और आपको फिर यहाँ से क्या करना है, आपने एक कॉम्बिनेशन टू ले लिया और आपको यहाँ से क्या करना है, टाइम सेलेक्ट कर लेना है। टाइम आप अपने हिसाब से कर लो, आधा घंटा कर लो, 30 मिनट का करके आप यहाँ से स्टार्ट बटन दाब दो, आपका मशीन स्टार्ट हो गया। अब दोनों मेरा मशीन का जो भी कंपोनेंट है दोनों स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। अभी क्या किए थे, माइक्रो के साथ हमने ग्रिल को सेलेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, माइक्रो के साथ एक कन्वेक्शन हीटर यहाँ लगा हुआ है, इसको और इसको अब हम सेलेक्ट करेंगे, माइक्रो और कन्वेक्शन। तो माइक्रो कन्वेक्शन में ये टेम्परेचर पूछेगा कितना डिग्री पे सेट करना चाहते हो, तो 110 डिग्री, 140 डिग्री, 170 डिग्री, 200 डिग्री। ठीक है, तो 200 डिग्री तक आपको आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अब आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर लिए, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है। तो आप टाइम ले लो, यहाँ से टाइम ले लेते हैं 20 मिनट का, ये 20 मिनट का मैंने टाइम ले लिया, तो ये मेरा सेट हो गया, टेम्परेचर भी मैंने सेट कर लिया और मैंने टाइम भी सेट कर लिया, मैंने स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको इंडिविजुअल चलाना, लाइक सिर्फ आपको कन्वेक्शन चलाना, आपको ग्रिल भी नहीं चलाना है, माइक्रो भी नहीं चलाना, तो सिर्फ कन्वेक्शन चलाना है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में आप गए हो, जा करके यहाँ पर टेम्परेचर सेट करना है, देखिए 110 डिग्री, 120, 130, 140, 150, ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, ये 200 डिग्री तक जा रहा है, 200 डिग्री तक टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइम सेट कर लेना, 10 से 20 मिनट आपने टाइम सेट कर लिया, देन स्टार्ट कर दिया, हो गया ये स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने कन्वेक्शन स्टार्ट किया था, उसी प्रकार से मैं ग्रिल भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ग्रिल में गया, यहाँ पे मैंने ग्रिल को डाल दिया और मैं टाइम सेट कर दूंगा, मैंने 40 मिनट का टाइम सेट कर दिया, बस अब मेरा ग्रिल स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फिर तीसरा लिखा है माइक्रो पावर लेवल। जैसे हमारे घर में गैस चूल्हा होता है, तो उसमें क्या होता है, गैस चूल्हा में हम उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं अपने हिसाब से, कितना फ्लेम रखना है आग को उसके एडजस्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है, जो माइक्रोवेव में इसको चलाना है, तो इसके भी पावर को हम कम बेसी कर सकते हैं कि हमें धीमे आंच में पकाना है या बहुत तेज आंच में पकाना है। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे माइक्रो पावर लेवल है, देखिए बोरा पी हाई एच आई, फिर ये 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0, फिर ये हाई से हो गया, मतलब आप अपने हिसाब से कितना भी घटा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेके चला गया नॉर्मल में, लाइक 50 में आ गया, मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ से ये मेरा मैंने 50 पे लेके गया, मैंने टाइम सेट किया 30 मिनट और स्टार्ट कर दिया। तो पहले ये सेट किया, टाइम सेट किया, स्टार्ट कर दिया, मेरा आधा घंटा के लिए माइक्रो में, सिर्फ मेरा माइक्रो चलेगा, ना ही ग्रिल हीटर चलेगा, ना ही कन्वेक्शन हीटर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा यहाँ पे जो मैग्नेट्रॉन है वो ऑन होगा। फिर एक आता है डिफ्रोस्ट। डिफ्रोस्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लाइक आपके घर पे आप चिकन लेकर के आए हो, तो आप क्या करते हो, उस चिकन को उठा करके डाल देते हो फ्रिज के अंदर में, तो फ्रिज में जो फ्रीजर में डाल देते हो, तो फ्रीजर में वो जम जाता है, जब उसको यूज़ करने के लिए आप निकालते हो तो वो जमा हुआ रहता है,
तो उसको आप डायरेक्ट अभी यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले उसका जो बर्फ है उसको पिघलाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम डिफ्रोस्ट मोड का यूज करते हैं। डिफ्रोस्ट में आप क्या करोगे, जो भी चिकन वगैरह आपने डाला, डाल के यहाँ पे डिफ्रोस्ट है, आपने डिफ्रोस्ट सेलेक्ट किया, अब पूछेगा कितने देर के लिए आपको डिफ्रोस्ट करना है, तो आपने टाइम सेट कर दिया कि मुझे 40 मिनट के लिए करना है, आपने स्टार्ट कर दिया, हो गया 40 मिनट के लिए आपका डिफ्रोस्ट स्टार्ट। टाइम और क्लॉक दिया, यहाँ से आप टाइम को सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1:30 हो रहा है, अभी मुझे लाइक 2:30 बजाना, 2:30 करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 3 सेकंड के लिए दाब के रखूँगा, 1, 2, 3, देखिए अब आ गया 12 आवर 24 आवर। मतलब आप किस ड्यूरेशन को सेट करना चाहते हैं, 12 आवर का मतलब होगा कि 12 का दोपहर का अगर 12 बज गया तो फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, और अगर मैं इसको 24 में ले जाकर सेट कर देता हूँ तो क्या होगा, दोपहर का अगर 12 बज गया तो अब क्या होगा, 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15 बजेगा, जैसे रेलवे में चलता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 में ही सेट करके रखेंगे, मैंने 12 में सेट कर दिया। अब मुझे टाइम सेट करना है, 2 बजाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 बजाना है ना मुझे, तो मैं 2 बज गया, 3:30 मेरे को 10-30 मिनट करना है, 10-20-30, 2:30, 2.5 मिनट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये टाइम क्लॉक को एक बार फिर से दाब दूंगा, ये तो ये मेरा टाइम सेट हो गया, 2:30 बज गया यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से एक आता है एक्सप्रेस कुकिंग, आपको बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को पकाना है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे टच करोगे सबसे पहले 30 सेकेंड, आधा मिनट, देखिए मैंने कहा टच किया ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आधा मिनट के बाद 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, ऐसे करते करते ये कितने मिनट तक जाएगा, ये जा रहा है मेरा 10 मिनट तक मैक्सिमम। तो 10 मिनट तक आप बस इसको दाब को छोड़ दो, स्टार्ट बटन दाबने की ज़रूरत नहीं, देखिए ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, आपका खाना पकना चालू हो गया, ठीक है। एंड ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका डेमो हो गया, ठीक है, यही डेमो आपको यूज़ करना है। और मैं एक चीज़ और सिखा देता हूँ, पॉज करने का, तो जब भी ये मशीन मिलेगा इसके साथ आपको 5 एसेसरीज मिलेगा। पहला ये मेरा कोटेड प्लेट हो गया, ठीक है, दूसरा ये मेरा रैक हो गया, ठीक है, और ये इससे छोटा हल्का रैक हो गया, ठीक है, पिज्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। तो अभी क्या है, 3 हो गया, चौथा आपको ये ग्लास मिलेगा, ग्लास वाला रैक मिलेगा, ठीक है। और पाँचवा इसके नीचे ये मेरा एक रोल करने वाला मेरा एक ये मिलेगा, स्टैंड मिलेगा। तो अभी क्या है, इसको ऐसे रख देना है, इसको अच्छे से बैठा करके, ठीक है। आप जब माइक्रो मोड में यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो माइक्रो मोड है, अगर माइक्रो मोड यूज़ कर रहे हो तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों स्टील का यूज नहीं कर सकते, ये दोनों स्टील का यूज आप नहीं करोगे, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर पूरा स्पार्क करेगा, पूरा आग स्पार्क करेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कब करना है, हाँ जब आप कन्वेक्शन यूज़ कर रहे हो या आप ग्रिल यूज कर रहे हो, अगर ये दोनों मोड यूज कर रहे हो उस कंडीशन में आप ये दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, एंड उसके बाद बस आपको मशीन को प्रॉपर यूज करना है। थैंक यू सो मच।